पानीपत में भी भारत बंद के तहत किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर रोष जाहिर किया है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा ने शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया था। हालांकि पानीपत में 11 बजे से हाईवे जाम किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसान सड़कों पर बैठे दिखाई दिए। शहर में एम्बुलेंस, सेना की गाड़ी और सब्जी वाले वाहन छोड़कर किसी को भी गुजरने नहीं दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों व मजदूर संगठनों के साथ पानीपत टोल प्लाजा, संभालका व मतलोडा के सभी रास्तों पर धरना दे आने जाने वाले सभी वाहनों को रोक दिया। वहीं किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से मांग की है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, अन्यथा किसान अपने धरने को लगातार जारी रखेंगे। जी, क्या कुछ कार्रवाई आज की? आज संयुक्त किसान मोर्चा के काल पर हम समालखा में विभिन्न जन संगठनों के सदस्य हैं, आज पूर्व नीचे इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो संयुक्त मोर्चे की जो काल थी, हमारा फर्ज है कि हम संयुक्त मोर्चे की काल को लागू करें और जो देश के अंदर जो पूरे देश के अंदर जो किसान और मजदूर दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, उनकी मांग को मनवाने के लिए हम उनके साथ हैं। और जो मोदी सरकार है, चाहे वो राज्यों की सरकार, जो तानाशाही रवैया अपना रही है, देखिए जो तानाशाही रवैया अपनाएगी सरकार, उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम ये मांग करना चाहते हैं किसान मोर्चे की तरफ से कि सरकार हक धर्मी पे ना आए, किसानों की मजदूरों की जो तीनों कृषि विधेयक जो किसानों के आम जनता के डेथ वारंट हैं, उनको वापस ले। डेथ वारंटों को सरकार ने हमारे ऊपर खाम खा थोपे हैं, ये संविधान के खिलाफ है और आम जनता के खिलाफ है। हम इसके खिलाफ तमाम, जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, हम आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार को आगाह करेंगे कि इसको समय रहते वापस ले लें, वरना बहुत बड़ा आंदोलन और जन आंदोलन होगा। क्या नाम है? दयानंद कुमार, अखिल भारतीय खेत मजदूर में जिला उपाध्यक्ष। किसान ना के जो काले कानून ले आए हैं, उनके बारे में ये आंदोलन के वो सक्रिय जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में एक दिन का ये भारत बंद कराया है। कब से कब? ये तो रास्ता तो आज का बंद है खाली, ये तो किसान का आंदोलन चलता रहेगा। वो तो इतने काले कानून वापस ही नहीं होगा, इतने वो चलता रहेगा। सरकार अपनी बात पे अड़ी है, इधर किसान भी वहाँ लगातार। सरकार को तो है नहीं, मतलब 121 दिन हो गए आंदोलन करते हैं अपने किसान भाइयों ने। सरकार का इस बात का फर्क पड़ो या ना पड़ो, इनका तो अपना मांग मांगन का हक है किसानों का। सरकार की जिम्मेवारी है इनकी सुन का, तो वो सरकार सुने या ना सुने उस बारे में हम सरकार के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। हम जमींदारों के किसानों के बारे में बोल सकते हैं। मारुति का अपना किसानों के हक में NLD पार्टी ने पूरे देश में एक पहला ऐसा MLA है जिसने इस्तीफा दिया, चौधरी अभय चौटाला ने, चौधरी देवीलाल के परिवार ने। चौधरी देवीलाल का परिवार सदा ही किसानों के साथ में रहा है, सदा ही गरीब आदमी का सारा दिया, हर एक गरीब आदमी का 24 घंटे 36 बिरादरी के बीच में रहा है। तो हम तो ये ताऊ देवीलाल की विचारधारा के हिसाब से जमींदारों की मांग सुननी चाहिए। परमात्मा हमारे देश के प्रधानमंत्री को शुद्ध बुद्ध देवे और इसको परमात्मा अकल देवे, किसानों के बारे में आगे बीच में इनकी मांग सुना और अपना आराम से अपना राज। मदन जी, क्या कुछ है आज? आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलन के पड़ाव चले हुए, उन पड़ावों के 4 महीने पूरे होने के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद के आह्वान की कार्रवाई के तहत ही समालखा के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से कल अपील की गई थी कि समालखा के बाजार को बंद रखा जाए। समालखा के जो है बाजार एसोसिएशनों को अपील की गई कि समालखा के बाजार को बंद रखा जाए और भारत बंद को सफल बनाया जाए। आज समालखा का ज़्यादातर बाजार समालखा की बाजार एसोसिएशन और दुकानदारों के द्वारा स्वयं के तौर पर ही बंद रखा गया है। और आज हम सुबह 9 बजे से पुल के नीचे इकट्ठा हुए हैं, कई सामाजिक संगठनों के लोग, मजदूरों के संगठनों के लोग, किसान संगठनों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम सरकार के खिलाफ जुलूस निकालेंगे, एक विरोध मार्च आयोजित किया जाएगा जिसके अंदर खास तौर पे जो कृषि संबंधी तीनों काले कानून हैं उनकी खिलाफत करते हुए और बिजली बिल 2020 जो जन विरोधी लागू किया गया है उसके खिलाफ
महंगाई, ये जो डीजल पेट्रोल रसोई गैस और बसों के भाड़े रेल के भाड़े जो बेतहाशा बढ़ाए गए हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई नियम नहीं है, बिना किसी नियमों के बेहिसाबी जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, इसके खिलाफ समालखा के अंदर रेलवे रोड पर विरोध मार्च आयोजित किया जाएगा। क्या पूर्णतः बंद रहेगा आपकी कार्रवाई से? हाँ, पूर्णतः बंद। अभी हम सुन रहे थे, फोन आ रहे थे कई जगहों से, वीडियो हम देख रहे सोशल मीडिया के ऊपर, तमाम नेशनल हाईवेज और तमाम मतलब देश के जो बाजार हैं वो ज़्यादातर जो है पूरी तरह से बंद है, और किसान आंदोलन के समर्थन में खुद पर खुद तमाम मेहनत कश जनता जो है वो आगे आ रही है, लामबंद हो रही है, एकजुट हो रही है। सरकार की मनमानी, सरकार की जो हठधर्मिता है, सरकार की ये जो एक तरह से जन विरोधी जो कार्रवाई है, इसके खिलाफ जो है जनता खड़ी हो रही है। भारत बंद के दौरान क्या कार्रवाई है? आज किसान मोर्चा सिंह बॉर्डर की तरफ से हमें जो आदेश हुए भारत बंद का ऐलान किसान मोर्चा की तरफ से किया गया, तो हम समालखा की तरफ से किसान मजदूर संघ के सभी संगठन इकट्ठा हो गए और यहाँ पुल के नीचे समालखा इकट्ठे हुए हैं। समालखा में पूर्णतः सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही लोगों को, किसानों को सड़कों पर आना पड़ा है। मोदी जी ने देश को बेचने का काम किया है। क्या नाम आपका? ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक